नमस्कार, न्यूज चक्र में मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। जी हां, मोदी 2.0, मोदी का युग शुरू हो चुका है, मोदी की दूसरी पारी शुरू हो चुकी है। मगर अहम सवाल ये कि आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या रोड मैप होने वाला है। देखिए दोस्तों, एक बात स्पष्ट है, इंसान के पास हमेशा दो विकल्प होते हैं, सही रास्ता, गलत रास्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी ऐसे ही दो विकल्प मौजूद हैं। वो चाहें तो गाय, मंदिर या फिर हिंदू राष्ट्र का दामन थामकर समाज में असंतोष और अराजकता का रास्ता प्रशस्त कर सकते हैं, या फिर वो चाहें तो बेरोजगारी को खत्म करने का ब्लूप्रिंट, किसानों को उनकी दयनीय हालत से निकालने की कोशिश, या फिर अपने पश्चिमी छोर में पाकिस्तान पर लगाम लगाने की एक अदद कोशिश कर सकते हैं। विकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है। यही नहीं दोस्तों, वो ये भी कोशिश कर सकते हैं कि अपने सूडो नेशनलिज्म के चलते कश्मीर में आर्टिकल 35 को खत्म करने का रास्ता शुरू करें। मगर उससे होगा क्या? उससे होगा ये दोस्तों कि घाटी में असंतोष और बढ़ जाएगा, पत्थरबाजी, आतंकवाद की घटनाएं बढ़ जाएंगी, कश्मीर और कश्मीरी भारत के मुख्यधारा से और दूर हो जाएगा। या फिर प्रधानमंत्री चाहें तो हीलिंग टच शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल इस शख्स के अंदाज में। जी हां, प्रधानमंत्री ने जब अपना संबोधन दिया सेंट्रल हॉल में, तब उन्होंने वाजपेयी की बात की थी। तो जब उन्होंने वाजपेयी की बात की थी, तो हम उम्मीद करते हैं मोदी जी कि आपको उनके हीलिंग टच की भी याद होगी। हम शुरुआत करना चाहेंगे अर्थव्यवस्था के साथ। दोस्तों, हम ये ना भूलें कि जब इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात आती है तो मोदी सरकार में, यानी कि मोदी 0.1 में, मोदी 1.0 में एक बहुत जबरदस्त टैलेंट डेफिसिट था, यानी कि प्रतिभा की कमी। प्रधानमंत्री चाहें तो इसे खत्म कर सकते हैं, प्रधानमंत्री चाहें तो अपने साथ ऐसे इकोनॉमिस्ट को जोड़ सकते हैं जो उनकी आलोचना करते रहे हैं, क्योंकि निंदक नीरे राखिए। यहां पर भी उनके पास दो विकल्प हैं। वो चाहें तो इस गौ बुद्धि यानी एस गुरुमूर्ति, जो कि रिजर्व बैंक में सलाहकार है, उसकी बात सुने, क्योंकि इसी गौ बुद्धि से निकला था नोटबंदी। या फिर वो चाहें तो रघुराम राजन जैसे इकोनॉमिस्ट का एक्सपर्टीज ले सकते हैं। विकल्प आपके साथ है प्रधानमंत्री, फैसला आपको करना है। दोस्तों, कल मैंने कुछ इकोनॉमिस्ट से बात करके 8 पॉइंट्स की एक विश लिस्ट तैयार की है। जी हां, विश लिस्ट की, आखिर इकोनॉमिकली प्राइम मिनिस्टर को क्या करना चाहिए। तो मुद्दा नंबर 1, सोच बदलें। जी हां, प्रधानमंत्री, कहीं ना कहीं इकोनॉमी को लेकर आपको अपनी माइंडसेट बदलना पड़ेगा। जब तक वो बुनियादी फर्क नहीं आएगा, कुछ सुधार नहीं हो सकता। मुद्दा नंबर 2, अर्थव्यवस्था को लेकर जो आप आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं ना, यानी कि बेरोजगारी को लेकर या सकल घरेलू उत्पाद को लेकर, उसे आप बदलें। यानी कि आंकड़ों की बाजीगरी से बचें, बेरोजगारी और सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों में धांधली ना करें। मुद्दा नंबर 3, अपनी जो असफलताएं हैं उसे स्वीकार कीजिए। स्वीकार कीजिए कि नोटबंदी एक बहुत बड़ी गलती थी। स्वीकार कीजिए कि जीएसटी को जिस तरह से अपनाया गया था या लागू किया गया था, उसमें दिक्कतें थीं, क्योंकि जब तक आप अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे, सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। मुद्दा नंबर 4, जो औद्योगिक जगत है उसमें विश्वास कायम करें, इंडस्ट्रियलिस्ट में कॉन्फिडेंस पैदा करें। देखिए दोस्तों, हो क्या रहा है कि सरकार के कॉन्डक्ट की वजह से, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नई परियोजनाएं नहीं आ रही हैं, कोई भी इंडस्ट्रियल हाउस नए प्रोजेक्ट्स को लेकर कमिटमेंट नहीं दे रहा है, और यह बात सरकार से बेहतर किसी को नहीं पता। हो सकता है कि आपके जो चाटुकार हैं वो एक बहुत ही रोजी पिक्चर पेश करें, मगर हकीकत मोदी जी आप भी जानते हैं। इसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि बिजनेस कितनी आसानी से हो सके उसको लेकर माहौल को बेहतर करें। मैं जानता हूं कि आप एक और आंकड़ा पेश करेंगे कि साहब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की स्थिति बेहतर हुई है, मगर मोदी जी
आप भी ये जानते हैं कि देश में किस तरह का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, क्योंकि अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर होता तो देश में निवेश भी बढ़ता, ऐसा तो हो नहीं रहा है। इसके बाद बहुत जरूरी है कि जो बिग बिजनेसेस हैं और स्मॉल बिजनेसेस हैं उसके बीच का अंतर खत्म हो, क्योंकि पिछले 5 सालों में नोटबंदी, जीएसटी, इन तमाम चीजों की वजह से जो स्मॉल बिजनेसेस थे, यानी कि जो छोटा व्यापारी था और बड़ा व्यापारी था, उन दोनों के बीच फर्क लगातार बढ़ता गया है। साथ ही बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एनपीए क्राइसिस है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का जो संकट है बैंकिंग के अंदर, उसका समाधान करें, क्योंकि जब तक आप उसका समाधान नहीं करेंगे हालात बेहतर नहीं होंगे। तो ये थे अर्थव्यवस्था को लेकर मेरा कुछ ज्ञान। और अर्थव्यवस्था के बाद अब बारी है देश की संस्थाओं की। जी हां, संस्थाओं की गरिमा को बचाए रखना बहुत जरूरी है प्रधानमंत्री, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप ये तमाम कदम उठाएं। मुद्दा नंबर 1, लोकपाल का त्वरित गठन। ये लोकपाल को लेकर आंदोलन हुआ था अन्ना का, याद होगा आपको, और आपको यह भी याद होगा कि अजीत डोभाल का विवेकानंद फाउंडेशन और आरएसएस किस तरह से अन्ना आंदोलन का समर्थन कर रहा था। तो लोकपाल का तुरंत गठन किया जाए ताकि सरकारी भ्रष्टाचार को लेकर पारदर्शिता हो। मुद्दा नंबर 2, चुनाव आयोग में बुनियादी फर्क लाया जाए। दोस्तों, हुआ क्या है, इन चुनावों में अगर किसी की साख गिरी है तो वो है हमारा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने बार बार इस बात का प्रमाण दिया है कि वो पक्षपात में विश्वास करते हैं, उनका रुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेकर नर्म है। मगर मैं ये भी स्पष्ट कर दूं दोस्तों, मैं उन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में विश्वास नहीं करता कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, जी नहीं। यही नहीं, मैं उस थ्योरी में भी विश्वास नहीं करता कि जिन ईवीएम्स में आपने बटन दबाया था उसमें पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के लिए 2 या 3 लाख वोट्स मौजूद थे। ये सब बकवास है दोस्तों। जी हां, विपक्ष को मेरा यह संदेश है, उनके समर्थकों को मेरा यह संदेश है, इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से बचिए। आरटीआई, सूचना का अधिकार, जो कि इस देश के आम इंसान का हथियार है, उस आरटीआई को लेकर इस सरकार में पारदर्शिता हो। क्या आप जानते हैं कि पिछले 5 सालों में आरटीआई को लेकर, यानी कि सूचना के अधिकार के तहत जो अपील की जाती है, इस सरकार का रवैया बहुत ही लचर और बहुत ही शर्मनाक रहता है। आरटीआई आम इंसान का हथियार है, उसे आप कतई ना भूलें। इसके अलावा बहुत जरूरी है कि तमाम जो सरकारी एजेंसीज हैं, मसलन एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इनकम टैक्स, सीबीआई, इनमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जाएं, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट हो, इनकम टैक्स हो और सीबीआई, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने का जरिया बन गए हैं। बहुत जरूरी है कि इन चीजों को रोका जाए। और जानते हैं सबसे शर्मनाक बात यह कि सीबीआई में तो पिछले 5 सालों में गैंग वॉर तक शुरू हो गया था। ये तमाम चीजों से हम जरूर बचें। संस्थाओं के बाद दोस्तों अब बारी है अल्पसंख्यकों और विरोधी स्वरों को लेकर। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब नतीजे आने से पहले टाइम मैगजीन ने यह आर्टिकल निकाला था जिसमें प्रधानमंत्री को डिवाइडर इन चीफ बताया गया था, यानी कि मुख्य विभाजनकर्ता, इससे प्रधानमंत्री भी बहुत चिंतित हुए थे, क्योंकि प्रधानमंत्री को इस बात का आभास है और इस बात की बहुत चिंता है कि दुनिया में उनकी क्या छवि है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को सुधार लाना होगा। और जीत के बाद भी ब्रिटेन स्थित अखबार गार्डियन ने क्या लिखा है, मैं आपको बताता हूं। गार्डियन ने लिखा है कि दुनिया को एक और राष्ट्रवादी लोकलुभावन नेता नहीं चाहिए जो प्रो बिजनेस एजेंडा चलाता है मगर साथ ही फर्जी खबरों के कारोबार में शामिल रहता है और अल्पसंख्यकों को दूसरे दर्जे के नागरिक के तौर पर देखता है। इसी से चिंतित होकर प्रधानमंत्री ने न सिर्फ दीनदयाल उपाध्याय स्थित बीजेपी के दफ्तर में वो बयान दिया था, साथ ही सेंट्रल हॉल में भी उन्होंने अहम बात कही थी। सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि माइनॉरिटीज को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। 21वीं सदी में हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है, कोई पीछे नहीं रहना चाहिए, कोई इस विकास यात्रा में छूट नहीं जाना चाहिए, पंथ के आधार पर, जात के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस संकल्प को और मजबूती से
हम करते आए हैं और अधिक ताकत से करते रहना है और उसको प्राथमिकता देते हुए चलना है और छल को छेद करना है जी। ये उनको हम हैंडओवर करके बैठे रहे, ये मुझे मंजूर नहीं। अब हम चुप रहते हैं, इसी का फायदा उठा रहे हैं और इसलिए इस जिम्मेवारी को भी हम निभाएंगे, तभी तो देश हम पूरी तरह सबको साथ लेकर के चल सकते हैं और सबका साथ सबका विकास और अब सबका विश्वास, ये हमारा मंत्र। प्रधानमंत्री, बात तो आपने बहुत अच्छी कही, मगर मैं आपको बताना चाहूंगा किस तरह से मध्य प्रदेश के सिवनी में किस बेरहमी के साथ 3 मुसलमानों की पिटाई की गई थी और साथ में इसमें एक हिंदू भी शामिल था। क्यों? गौ वंश को लेकर गौ रक्षकों ने पिटाई की थी। जय श्री राम बोल रहे हैं, जम के बोल। यही नहीं, गुड़गांव में एक मुसलमान जो अपने घर लौट रहा था टोपी पहनकर उसकी तक पिटाई की गई। ऐसा क्यों हुआ है प्रधानमंत्री? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मीडिया के जरिए, राजनीतिक प्रचार के जरिए हमारे समाज में इतना जहर फैला दिया गया है जिसका परिणाम आपको दिखाई दे रहा है। यही नहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अतीत की कड़वाहट को भुलाकर अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। इसलिए मैं आज सार्वजनिक रूप से कहता हूं, चुनाव में क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन बोला, क्या बोला, मेरे लिए वो बात बीत चुकी है। हमें आगे देखना, हमें सबको साथ लेकर के चलना है। हमारे घोर विरोधी होंगे उनको भी साथ लेकर चलना है, देश हित के लिए चलना है। और इतना बड़ा प्रचंड बहुमत के बाद भी पूरी नम्रता के साथ चलना है बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये कड़वाहट, खासकर राजनीतिक कड़वाहट का जो नतीजा है, हमें अमेठी में दिखाई दिया। अमेठी में स्मृति ईरानी के एक बहुत खास सहयोगी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई और आरोपियों में कांग्रेस के कुछ नेता बताए जा रहे हैं। ये जो कड़वाहट पिछले 5 सालों में हमने देखी, उसी का परिणाम इस तरह से सामने उभर कर आ रहा है। प्रधानमंत्री, मुझे उम्मीद है कि इस कड़वाहट को दूर करने के लिए आप अपनी तरफ से पहल करेंगे। अंत में दोस्तों, मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं एक आशावादी हूं और इसलिए क्योंकि मैं एक देशभक्त भी हूं। और जब तक आप आशावादी नहीं होंगे, जब तक आप जहन में ये ख्याल नहीं करेंगे कि हालात बेहतर होंगे, हालात बेहतर नहीं हो सकते। और हां प्रधानमंत्री, बहुत जरूरी है कि आप चाटुकारों से बचें, ऐसे चाटुकारों से। फकीरी है आपके स्वभाव में। मैं जानता हूं कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि बहुत फकीरी है आप में, मगर पिछले 5 सालों में दोस्तों हुआ क्या है कि ऐसे ही चाटुकारों के चलते, ऐसे ही लोगों की वजह से जो कि इस तरह की लल्लो चप्पो करते हैं, आलोचना के स्वरों को दबाया गया है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को दबाया गया है और वो मीडिया में कहीं नहीं दिखाई देता। ऊपर से प्रसून जोशी जैसे लोग, जिनका इतना बेहतरीन काम है, तारे जमीन पर जैसी फिल्मों में या फिर भाग मिल्खा भाग जैसी फिल्मों में इनका बेहतरीन काम है, इन्होंने अपने कद को गिराया है, वो भी राजनीतिक चाटुकारिता के चलते। ऐसे चाटुकारों से बचिए प्रधानमंत्री, और निंदक नीरे राखिए, उन पत्रकारों से मिलिए जो आपसे सवाल करते हैं। मगर हां, न्यूज चक्र अपने फर्ज से पीछे कभी नहीं हटेगा। अगर सरकार गलतियां करेंगी तो हम उन गलतियों पर सवाल करेंगे, क्योंकि हमारे जहन में, हमारे दिल में है इस देश की जनता। आप सबसे मेरी अपील कि इस शो को लाइक और शेयर करें और न्यूज क्लिक के चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।